उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में हाल ही में एक बार फिर जिला चिकित्सालय और डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। ये पूरा मामला था जिले के घोसी कोतवाले के मझवारा पुलिस चौकी के पास का। कल सुबह घने कोहरे के कारण एक जीप और एक बस की जोरदार टक्कर हो गई थी, जिसमें जीप सड़क के किनारे पलट गई और उसमें सवार करीब 8 यात्री घायल हो गए थे, जिसमें 2 की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। और आनन-फानन में उनको जब जिला अस्पताल लाया गया, जहां 2 लोगों की मौत हो गई और बाकी 6 घायलों का इलाज फिलहाल चल रहा है। आपको बता दें कि मृतक 2 युवकों में से एक जीप का ड्राइवर था और दूसरा यात्री था। दोनों ही जिले के मधुवन थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। हालांकि मौत के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस लाया गया, जहां डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली। सुबह से लाश पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी रही और किसी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करने की जहमत तक नहीं उठाई और उनके परिजन जिला हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहे। फिलहाल जब इस मामले की जानकारी मीडिया को हुई तो मीडिया ने जिला अस्पताल के CMS से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उसके बाद इस मामले में जिला अधिकारी से बात की गई तो जिला अधिकारी ने पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय के CMS से कहा, लेकिन तब भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मृतकों के परिजन फिलहाल परेशान हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अपर जिला अधिकारी ने कहा है कि जो इस मामले में दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़क कार्रवाई की जाएगी। मगर सवाल ये उठता है कि सुबह से परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए चक्कर काट रहे थे और जिला प्रशासन के आला अधिकारी जांच और कार्रवाई की बात करते हैं, तो क्या यही यूपी के सरकारी सिस्टम की संवेदनशीलता है? आखिर इसका जवाब दे कौन है? क्यों नहीं हुआ पोस्टमार्टम, ये तो किसी अधिकारी ने जानने की कोशिश तक नहीं की। सर मैं सुबह से हूँ, अभी तक पोस्टमार्टम का कोई पता नहीं चला है कब तक होगा। अभी तो सर आए हैं तो सब कुछ कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर नहीं कुछ, अभी हमें पूरा क्लियर पता नहीं, लेकिन पूरा पता चला है कि डॉक्टर बोले कि अभी पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगी, रात में नहीं हो पाएगी। कोई जिम्मेदारी इन लोगों के पास है नहीं, कैसे होगा क्या होगा, इन लोगों के पास कोई टाइम या नहीं सर कुछ नहीं। नहीं सर वहाँ पे हम लोग गए थे घोसी में, दीवान कोतवाली है वहाँ पे, वहाँ से हम लोग पंचनामा लिखवाए उखवाए, वो बोल रहे हैं कि अब 5 मिनट में छोड़ेंगे, 10 मिनट में छोड़ेंगे, बजाते बजाते 5:30 बजा दिया। उसके बाद से बोले कि आज नहीं पोस्टमार्टम होगी, कल हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया। उसके बाद से बोले कि कल पोस्टमार्टम हो गया, ये 11 बजे वहाँ पे हमारी मम्मी उम्मी सभी बीमार पड़ गए हैं, सभी लोग अब खराब है सर। नहीं मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई ना जानकारी नहीं, आप मुझे दे रहे हैं इसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है कि अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तो अभी तो मैं बता रहा हूँ कि मैं तो उनको बता दिया था दोपहर को ही, मेरी बात CMS हुई थी, कोई भी कोई नहीं मुझसे मिलने आया था। मुझे जानकारी हुई थी पब्लिक से, मुझे ये पता लग गया था एक्सीडेंट हुआ, एडिशनल SP ने भी टेलीफोन किया था कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ घायल हो गए, तो मैंने तुरंत CMO को इंटीमेट किया था कि वहाँ जो भी जाएँ पेशेंट हमारे घायल, उन्हें प्रॉपर के जो है सुविधाएँ मिलनी चाहिए, कोई दिक्कत ना हो। भाई हम लोगों के नॉलेज में तो जो आता है, हम लोग तो एक व्यवस्था रात में भी हम लोग देते हैं, अगर ये क्या नाम से पोस्टमार्टम होना जरूरी होता है एक्सीडेंटल केसेस वगैरह में, तो हम लोग रात में ही परमिशन दे देते हैं कि आप पोस्टमार्टम कर दीजिए। भाई कार्रवाई देखिए, कोई भी अपने ड्यूटी से काम नहीं करेगा हटेगा तो कार्रवाई सबके लिए है, चाहे वो हो कोई भी हो। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।